गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 10 एमसीक्यू। हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की इस वीडियो में पार्ट 26 की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी सभी का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें ज्वाइन हो जाना ताकि आपको जितना भी वीडियो अपलोड की जाएगी इसका नोटिफिकेशन और जितना भी डिटेल्स दी जाएगी इसका PDF और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है 281 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में जो कि जीके थोड़ी बहुत जो दिल्ली सल्तनत है इसके बारे में आने इंडियन जीके के क्वेश्चन रहे हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये रहे हुई इज नोन एज द मॉडर्न मोनू, इम्पोर्टेंट है। हुई इज नोन एज द मॉडर्न मोनू ऑफ इंडिया, इंडिया की मॉडर्न मोनू किससे कहा जाता है। ये ऑप्शन सी से होगा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मोनू कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद रखिएगा, BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो कि चेयरमैन थे। ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना ये सेटअप करी थी ड्राफ्टिंग कमेटी को, पहला पेज में ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि 29 अगस्त 1947 में ये स्थापना करी है ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको जो चीफ पूछे, हेड पूछे, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर और उन्हें फादर ऑफ मोनू कहा जाता है। नेक्स्ट, एंड आपको और भी पता, जो BR का मतलब है जो भीमराव अम्बेडकर, BR का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जामिनर पूछ लेते हैं। BR का मतलब है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप ऑन व्हिच ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने डिस्कस की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, बट ये जो असेंबली रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहे, इसे कौन सी ईयर में सेटअप करी गई थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर पूछे तो 389 मेंबर, इनिशियली था 389 मेंबर। याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये सेटअप करी गई है जो कि 1946 में, ऑप्शन बी से ही होगा, 1946 9 दिसंबर में ये स्थापना करवाया गया था। एंड इसका जो टोटल मेंबर था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो है 389 मेंबर। सो याद रखिएगा, एंड ये दिल्ली में स्थापना करवाया गया था। एंड इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पूछा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज सेट अप ऑन 1946 9 दिसंबर। बट आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट आपको इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछे तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका जो लास्ट सेशन हुआ था ना, लास्ट सेशन वो है 24 जनवरी 1950, मतलब जो कि 25 जनवरी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कम्स टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, बट ये जो लास्ट सेशन करवाया गया था वो है 24 जनवरी 1950 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा सभी को। आगे देखते हैं, ये रहे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन वर्ल्ड इज व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर, ये है इंडिया, ऑप्शन डी से होगा, इंडिया जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन वर्ल्ड। नेक्स्ट पर जो कि ब्राजील रहे, एंड तीसरे पर थाईलैंड रहे, एंड देन चाइना रहे। याद रखिएगा, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग लगभग
343 यानी 343 लाख की है, जो कि 3 करोड़ 43 लाख, मतलब 343 000 000, यस, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, यस, 343 लाख की ये, जो कि टन की ये प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया ने। एंड इंडिया के, इंडिया में भी बात करते हैं तो इंडिया में टॉप फॉर जो टॉप स्टेट रहे वो है यूपी, उत्तर प्रदेश ने ज़्यादा शुगर के प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस होती है। एंड और फूड ग्रेन में भी ये उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे, फूड ग्रेन और शुगर ये दोनों में जो कि उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे। एंड इंडिया तो जो कि सबसे में टॉप पर रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड नेक्स्ट पर ब्राज़ील रहे, तीसरे पर थाईलैंड एंड देन चाइना। नेक्स्ट खिलजी डायनास्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलजी डायनास्टी वॉज लेड बाय हुम, खिलजी डायनास्टी जो है ये किसके द्वारा स्थापना करवाई गई है? जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनास्टी जो कि स्थापना करवाई गया है। याद रखिएगा ये खिलजी डायनेस्टी जो कि कौन सी ईयर में आपको पूछे तो 1290 से 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी जो कि शासन की है। और जलालुद्दीन खिलजी जो कि 6 ईयर तक शासन की थी, उनके द्वारा जो कि स्थापना करवाया गया है खिलजी डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, ये रहे हाउ मच ईयर जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड, हाउ मच ईयर जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड, कितने ईयर तक जलालुद्दीन खिलजी ने रूल की है? ये है 6 ईयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 ईयर। एंड उनके बाद जो राजा बने वो है, याद रखिएगा, अलालुद्दीन खिलजी राजा बने, मतलब अलालुद्दीन जो खिलजी है ना, इसके बारे में पूरी डेप्थ हिस्ट्री रहे। ऐसा है कि उन्होंने जो कि 1996 से 1360 तक जो कि राजा बने, बट ये जो राजा बने जो कि उनके जो फादर इन लॉ एंड जो अंकल रहे उन्हें मार दी थी, मारने के बाद जो कि उन्होंने, मतलब खुद की फादर इन लॉ एंड जो अंकल रहे उन्हें हत्या करी। एंड हत्या करने के बाद जो कि 1996 में उन्होंने राजा बने, 1996, उससे पहले जो रहे वो है जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद जो बने वो है अलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को जो कि हत्या की थी, मर्डर की थी। एंड मतलब उनके फादर इन लॉ एंड अंकल के मर्डर के बाद जो कि उन्होंने राजा बने जलालुद्दीन खिलजी को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड उनके बाद, किसके बाद, ये जो अलालुद्दीन खिलजी के बाद जो राजा बने वो है, उनका नाम है, उनके सन राजा बने वो है मलिक काफूर। बट ये मलिक काफूर जो राजा बने थे उन्हें भी एक जो कि खुसरू नाम की एक राजा रहे, खुसरू नाम की, वो उन्हें मरवाया था, याद रखिएगा, उन्हें मारकर जो कि राजा बने थे ये जो मलिक काफूर एंड सुभाष, याद रखिएगा, मलिक काफूर भी उनके ब्रदर को मारने के बाद जो कि उन्होंने राजा बने थे, याद रखिएगा। ये अलालुद्दीन खिलजी, देखिए खिलजी डायनेस्टी की पूरे डिटेल्स, खिलजी डायनेस्टी 1992 से 1320 तक रहे। खिलजी डायनेस्टी का जो फास्ट रूलर स्थापना करवाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, 6 ईयर तक शासन की, ये क्वेश्चन में जो रहे। उसके बाद अलालुद्दीन खिलजी वाले बने 1296 से 1360 तक, उनके फादर इन लॉ एंड जो अंकल को मरवाने के बाद। आगे बढ़ते हैं, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 286 की क्वेश्चन, द तुगलक डायनास्टी वॉज बिटवीन विच ईयर, तुगलक डायनास्टी जो रहे कौन सी ईयर के बीच में रहे? तुगलक डायनास्टी किसके द्वारा स्थापना कर पाया गया है पूछे तो ग्यासुद्दीन तुगलक होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। एंड ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, 1322 से 1412 तक, मतलब 1292 से 1320, ये रहे जलालुद्दीन खिलजी डायनास्टी की है।
बट ये तुगलक डायनेस्टी आपको पूछे तो 1322-1412 ये है तुगलक डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, ये रहे 287 तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तुगलक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ऑप्शन बी से होगा, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट उनके बाद जो बने वो है उनके सन मोहम्मद बिन तुगलक बने 1324-51, याद रखिएगा। एंड उसके बाद जो बने वो जो कि उनके निफ्यू बने, भांजे बने, वो है फिरोज शाह, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351-88 रहे। सारी जो डिटेल्स दी जा रहा है ना, जितने भी एक्स्ट्रा, ये सभी को याद रखिएगा, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं 288 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द तुगलक डायनेस्टी केम टू अन एंड, तुगलक डायनेस्टी एंड होता है, ये है 1412 ऑप्शन सी से होगा 1412। बट आपको तुगलक डायनेस्टी ये याद रखिएगा, तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से शुरुआत हो एंड 1412 में ये एंड हो, कम्स टू अन एंड। नेक्स्ट 289 अलाउद्दीन एस्टैब्लिश्ड 3 मार्केट एंड ईच आर कंट्रोल्ड बाय ए ऑफिसर कल्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही डेप्थ में जाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने शेयर ना करूँ ये इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो जो कि खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना कर पाया गया था जलालुद्दीन खिलजी, उन्हें हत्या की थी, हत्या करने के बाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बने। एंड जो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जलालुद्दीन खिलजी आपको पूछे तो 6 ईयर तक शासन की, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1906-1316 तक। एंड ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उन्होंने जो कि 3 मार्केट को एस्टेब्लिश की थी, ये मार्केट का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, 3 मार्केट जो एस्टेब्लिश की थे ना अलाउद्दीन खिलजी, वो है एक तो रहे फास्ट मार्केट जो रहे वो है फूड ग्रेन के ऊपर में, सेकंड पर जो रहे वो है जो कॉस्टली क्लॉथ रहे ना, जो कॉस्टली जो जितने भी क्लॉथ रहे इसके ऊपर में सेकेंड है जो फूड मार्केट रहे। पहले तो रहे फूड ग्रेन मार्केट फॉर कॉस्टली क्लॉथ के लिए एक मार्केट रहे, एंड थर्ड पर रहे फॉर हॉर्सेस एंड स्लेव एंड कैटल के लिए एक मार्केट उन्होंने ओपन की थी। 3 मार्केट नाम ही याद रखिएगा 3 मार्केट को, फॉर हॉर्सेस स्लेव एंड कैटल 3री मार्केट है। एंड ये जो स्थापना करी थी जो कि दिल्ली में ये एस्टेब्लिश करवाया गया था, एंड इसमें ऐसा ही उन्होंने एक रूल चालू की थी कि मतलब जितना भी प्रोडक्ट है इसका एक कॉस्ट, इसका एक जो वैल्यू, ये मतलब फिक्स करी जाती थी राजा के द्वारा एंड ऑफिसर के द्वारा फिक्स करी जाती थी, उससे ऊपर कोई भी नहीं बेच सकता है, उससे नीचे भी नहीं, याद रखिए उसे नीचे बेच सकते हैं बट उसे ऊपर कोई भी नहीं बेच सकता है। जैसे कि अभी के टाइम में जो चल रहा है ना, मतलब जो दर दाम जितना भी चल रहा है ठीक वैसे ही तब तक उन्होंने ऐसे चालू की थी और लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी हो रहा था। याद रखिएगा ये जो ऑफिसर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। सो ये क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूँ, ये है सहाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सहाना उसे कहा जाता है, जो उनके जो ऑफिसर रहे, मतलब ये जो फूड ग्रेन मार्केट रहे एंड जो कॉस्टली क्लॉथ रहे, हॉर्सेस स्लेव कैटल रहे, ये 3 जो मार्केट रहे उसे कंट्रोल करी जाती है एक सहाना, एक ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 290 इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनमें से कौन सी मार्केट स्थापना नहीं करी गई है। ये जो मार्केट देख रहे हो जो कि कॉस्टली क्लॉथ ये स्थापना करवाया गया है, फूड ग्रेन ये भी, हॉर्सेस ये भी स्थापना करवाया गया है, और भी रहे स्लेव एंड जो कैटल, हॉर्सेस स्लेव एंड कैटल ये एक साथ ही स्थापना करवाया गया है एक मार्केट, बट ये गोल्ड मार्केट उनमें नहीं है, याद रखिए गोल्ड मार्केट नहीं रहे।
यह आंसर सही होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड, आज की ये टॉप 10 जीके रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड ध्यान से सुनना। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन जो रहे, इनमें से सिलेक्ट करके हमने ये डिस्कस करते हैं। और ये चैनल में डिस्कस की जाती है, आपको पता ही होगा, डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बट बहुत ही कम समय में एंड टॉप क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।